कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनर्स एकेडमी। मैं हूँ रश्मि बोरा। फ्रेंड, आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आज का हमारा टॉपिक है 125 सेक्शन सीआरपीसी, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए 125 सीआरपीसी का सेक्शन क्यों लाया गया, क्यों लाया गया, क्योंकि लेडीज के लिए है ये स्पेशली सेक्शन। दिस इज नॉट ओनली फॉर लेडीज, दिस इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ, दिस इज द मेंटेनेंस सेक्शन 125 फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आल्सो। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शन, तीनों के बारे में 125 सेक्शन में डाला गया है प्रोविजंस के जो लेडीज अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं। इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, जो लेडीज अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं, उनमें कोई डिस्प्यूट हो रखा है, किन वजह से रह रही हैं, ठीक है, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं कि वो आपस में एक साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है, उसके साथ क्या क्या हुआ, किस वजह से, ये सारी बातें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी। बच्चों के बारे में कि चाइल्ड भी है, वो भी इस अंडर सेक्शन 125 के अंदर कवर किए जाते हैं, और पेरेंट्स भी, पेरेंट्स किसके, हस्बैंड के, आदमी के, बच्चे आदमी के, वाइफ आदमी की, ये सारे सेक्शंस आदमी के लिए हैं, जेंट्स के लिए हैं, जो मेंटेनेंस देंगे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को। किन किन कंडीशंस में देंगे, उससे रिलेटेड क्या केस लॉज हैं, किन केस लॉज के थ्रू क्या क्या आया था, और ये सेक्शन किन किन लोगों पे एप्लीकेबल है, कौन कौन से रिलीजन्स पे है। सो आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस सेक्शन। दिस इंक्लूड्स, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 125 टू 128 टिल प्रोसीजर। 128 सेज अबाउट प्रोसीजर, 127 एंड 28 एप्लीकेबिलिटी एंड प्रोसीजर्स अबाउट द सेक्शन ऑफ 125। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने नोट्स बनाने हैं, वो मेरे पॉइंट्स के ऊपर ही नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेक्शन 125 सीआरपीसी 1973 सेज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स में कौन हो सकते हैं, फादर या मदर या दोनों, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनके दो हैं वो दोनों माने जाएंगे, जिनके फादर या मदर में से कोई एक भी है तो उनकी मेंटेनेंस के बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको वाइफ से रिलेटेड पॉइंट्स बताती हूँ, पहले ये सारे समझ लीजिए, फिर चिल्ड्रन, फिर पेरेंट्स से रिलेटेड बताऊंगी। देखिए इसके अंदर क्या है, वाइफ के से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, सिर्फ सीआरपीसी के अंदर नहीं दिए गए, ये सेक्शंस हिंदू एडॉप्शन एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर, अंडर सेक्शन 18 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 में भी दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंदर मेंटेनेंस के बारे में, वाइफ की मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। सेकंड इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 24 और 25 के अंदर भी वाइफ की मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। थर्ड एक्ट इज, ये तीन एक्ट्स हैं जो वाइफ की मेंटेनेंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उनके बारे में आपको बता रही हूँ। थर्ड वन इज द एक्ट ऑफ सीआरपीसी 1973 125 सेक्शन 2 128, जो कि मेन प्रोविजन है, क्योंकि इसको ज्यादातर 125 सीआरपीसी के नाम से, मेंटेनेंस के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन इस मेंटेनेंस को इन तीन सेक्शंस में भी, इन तीन एक्ट में भी अलग अलग सेक्शंस में ऐसे डिवाइड करके उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये तीन एक्ट्स हैं जिनके में ये बताया गया है वाइफ के बारे में, कि वाइफ को मेंटेनेंस कैसे मिलता है। इसके लिए फ्रेंड्स कंडीशंस बताई गई हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं। कि देखिए मेंटेनेंस लेने के लिए वाइफ के लिए कंडीशंस क्या हैं। पहली कंडीशन है कि जो इनकी मैरिज है, हस्बैंड वाइफ की, इनकी मैरिज लीगली होनी चाहिए। दूसरा है, ये सेक्शन हर रिलीजन पे फॉलो करेगा। ठीक है, हर रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। सेकंड है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसा डिस्प्यूट होना चाहिए जिसकी वजह से, कोई रीजनेबल कॉज की वजह से ही वाइफ अपने हस्बैंड का घर छोड़ के उससे अलग रह रही हो, चाहे वो कहीं भी रह रही है। ठीक है, ये पॉइंट है, कंडीशंस है जिसके अंडर आपको मेंटेनेंस मिलेगी वाइफ को अंडर सेक्शन 125 और इन दीज थ्री एक्ट्स के अकॉर्डिंग। वाइफ लेने के लिए, वाइफ को मेंटेनेंस लेने के लिए एप्लीकेबल है, पहला उनका कोई ऐसा, उनकी मैरिज लीगल होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए जिसकी वजह से वाइफ हस्बैंड से अलग रह रही है। थर्ड होना चाहिए
कि उन दोनों की आपस में म्यूचुअल कंसेंट नहीं होनी चाहिए अलग रहने की। जैसे सिर्फ किसी और रीजन की वजह से म्यूचुअल कंसेंट, जरूरी नहीं किसी नाराजगी या डिस्प्यूट की वजह से, अलग अलग जॉब की वजह से अलग अलग रह रहे होते हैं। तो इसमें अगर जॉब की वजह से अलग रह रहे हैं तो वाइफ इज नॉट एलिजिबल टू टेक द मेंटेनेंस फ्रॉम हिज हस्बैंड, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कोई रीजन है, कोई और पर्सनल रीजन है, तो उसकी वजह से एलिजिबल नहीं मानी जाएगी, ये कंसेंट मानी जाएगी। अगर उनकी कंसेंट है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाइफ का, अगर वाइफ का करेक्टर ठीक होना चाहिए, डिवोर्स अगर नहीं हुआ होना चाहिए, अगर डिवोर्स हो गया है तो उनकी रीमैरिज नहीं होनी चाहिए, मतलब वाइफ ने दोबारा शादी नहीं की होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। ये तीन चार कंडीशंस ऐसी हैं जिनके के ऊपर बेस्ड है सारा का सारा 125 सेक्शन, मैं आपको बता देती हूँ। और एक चीज और है, वाइफ इसमें एडल्ट्री में भी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वाइफ एडल्ट्री में भी रह रही है, उसका करेक्टर ठीक नहीं है, या और उसने रीमैरिज कर ली है, तो उसको मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं है वो उसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट भी। तो ये और इसके अंदर 125 सेक्शन के लिए कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। कभी भी लेडीज जो है वाइफ हु आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, तो वो कभी भी 125 के अंडर मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था इसके बारे में। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ जो कंडीशंस मैंने आपको बताई, ये सारी कंडीशंस सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंशन है ऑलरेडी। उसके अंदर एक केस लॉ और आया था, एक फेमस केस लॉ है शाहबानो केस के नाम से। तो इस केस के अंदर मुस्लिम लेडीज के लिए भी एप्लीकेबिलिटी दी गई थी कि भाई मुस्लिम लेडीज भी अगर जैसे हस्बैंड, इस केस में क्या हुआ था, मैं केस से आपको पूरा फैक्ट बताती हूँ। ये केस का नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, 1985 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 945। केस का साइटेशन लिख लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन द एग्जाम ऑल्सो। तो इस केस को, दिस केस इज फेमसली नोन एज शाहबानो बेगम केस, शाहबानो केस, ठीक है। 1985 में ये केस आया था। उस समय क्या नहीं था, उस समय मुस्लिम वुमेन्स का राइट्स ऑफ डिवोर्स का, प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ डिवोर्स का एक्ट नहीं आया हुआ था, वो आया था 1986 में, और ये केस था 1985 का। तो इस केस में क्या हुआ था, ये जब केस आया था तो उस समय इनके जो हस्बैंड है मिस्टर मोहम्मद अहमद खान ने शादी के 45 इयर्स के बाद में अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक दे दिया था। 45 इयर्स मिस्टर मोहम्मद अहमद खान हैज डिवोर्स्ड हिज वाइफ शाहबानो बेगम, सेइंग तलाक ट्रिपल तलाक, ओके। जब उन्होंने तलाक दे दिया, उन्होंने बोल दिया, तो उनकी शाहबानो बेगम जो थी, कैसे फैक्ट बता रही हूँ आपको, शाहबानो बेगम ने 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस के अंडर केस फाइल किया कि उन्हें मेंटेनेंस चाहिए। तो लेकिन इनके हस्बैंड ने बोला कि आई एम नॉट लायबल टू पे द मेंटेनेंस, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुंडन्स एक्ट के अंदर क्या होता है मुस्लिम्स में, वो इद्दत पीरियड का जो उनका जो डिसाइड हो गया होता है एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी के टाइम पे इद्दत एक उनके उनके पेपर्स में मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर उनका लिख दिया जाता है कि इद्दत का एक पीरियड होता है, तो वो इद्दत देंगे उसे, वो वही मनी देंगे उनको, ठीक है। तो एलिमनी जो होती है उनकी, तो उन्होंने बोला मैं इसी के लिए लायबल हूँ, मैं इस चीज के लिए मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं हूँ। बट कोर्ट ने उनको रिफ्यूज कर दी थी उनकी ये बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला था, सुप्रीम कोर्ट में डाला कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसके लिए लायबल नहीं हूँ। बट कोर्ट रिफ्यूज हिज एप्लीकेशन एंड सेड दैट नो यू विल पे द मेंटेनेंस टू योर वाइफ, ओके। तब उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए उनको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद में एक केस और आया था, वो केस जब आया बाद में, उससे पहले ये मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड राइट्स ऑफ डिवोर्स, प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑफ डिवोर्स का 1986 में आया था। उसमें ये फिर कहा गया, उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई अगर हस्बैंड की कंसेंट होगी तभी वो वाइफ को मेंटेनेंस देगा, अदरवाइज ही विल नॉट पे द मेंटेनेंस टू हिज वाइफ आफ्टर डिवोर्स। मतलब अगर वो अलग रह रहे हैं तो वो तभी देगा। अगर लेडी ने, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे किसी भी कास्ट रिलीजन से है, वो अगर दोबारा शादी कर लेती है या एडल्ट्री में रह रही है, और इफ शी डज नॉट हैव एनी गुड करेक्टर, सो शी इज नॉट लायबल टू टेक द मेंटेनेंस फ्रॉम हिज हर हस्बैंड, ठीक है।
तो उसने यही बोला था कि अगर इन कंडीशंस में अगर दोबारा शादी नहीं करती है तब तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा, अदरवाइज दोबारा शादी करने पे किसी लेडी को नहीं मिलेगा। एक और कंडीशन आती है कि अगर वाइफ हस्बैंड की इनकम कम है, वाइफ की ज्यादा है, तो क्या होगा? तो भी वाइफ लायबल नहीं है लेने के लिए, बल्कि तब इस केस में आदमी हस्बैंड वाइफ के ऊपर केस कर सकता है मेंटेनेंस का, कि भाई मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं मेंटेन अपने आप को नहीं कर पा रहा। तो लेकिन मेंटेनेंस जो वाइफ्स का केस है मेन 125 में, उसमें स्पेशली लेडीज के लिए है, और अगर लेडी की इनकम ज्यादा है, इफ शी कैन सर्वाइव ऑन हर ओन इनकम, अपनी इनकम पे वो सर्वाइव कर सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। ओके एग्रीड। बच्चों के लिए सेपरेट है, बच्चों को मिलेगी तब भी, ठीक है, लेकिन वाइफ की अगर इनकम है, वो अपनी अच्छी गुड लिविंग है, अच्छे से रह सकती है, अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगी हस्बैंड से, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं चिल्ड्रन की तरफ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, ये भी सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर कवर करता है। इसमें ये बोला गया है कि बच्चे 18 साल से कम एज के, बच्चे बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज अंडर सेक्शन 125 ये कवर करते हैं, बच्चे माने जाएंगे, मतलब माने जाएंगे का मतलब क्या है, तब वो माइनर माने जाएंगे, 18 साल तक के बच्चे माइनर होते हैं और वो मेंटेनेंस के लिए लायबल हैं, इसलिए स्पेशली ये माइनर की बात बोली गई है कि 18 साल से कम एज के बच्चे 125 सेक्शन सीआरपीसी के अंडर वो लायबल है मेंटेनेंस के लिए अपने फादर से, ठीक है, उनको फादर से मिलेगा। इसमें क्या क्या इंक्लूड करती की जाती हैं बातें, माइनर चाइल्ड वेदर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, मतलब लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मतलब जायज या नाजायज होना चाहिए बच्चा, कोई भी हो, चाहे जायज है ना जायज है, लेकिन माइनर होना चाहिए, 18 साल से कम एज का होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बोलते हैं कि अनमैरिड डॉटर ऑफ एनी एज, अनमैरिड डॉटर होनी चाहिए किसी भी एज की हो चाहे वो, ठीक है, उसकी शादी तक का मेंटेनेंस उसके फादर पे करेंगे। थर्ड वन इज अ मैरिड माइनर डॉटर, इसमें क्या कहा गया है, मैरिड है अगर लेकिन वो माइनर है, अभी 18 साल की है, ठीक है ना, तब की बात थी, अब तो मैरिज की एज 21 कर दी गई है, लेकिन मैरिड जो है अगर डॉटर माइनर है तो उसका खर्चा उसका फादर ही उठाएगा। एक और है अ सन और डॉटर एनी ऑफ एनी एज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब कोई भी बच्चा किसी भी एज का, इसमें माइनर नहीं देखा जाता, इसमें ये देखा जाता है कि वो सफर कर रहा है मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से, अगर उनके हाथ पैर माइंड कुछ भी ऐसा खराब है कि वो अपने लिए इनकम सोर्स नहीं गेन कर सकते हैं, तो वो इसमें एलिजिबल होंगे इसके लिए मेंटेनेंस के लिए 125 के अंडर अपने फादर से, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर देखिए एक चीज और बताती हूँ, एक अंडर सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 आया था, उसके अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 3 में माइनर की एज तो 18 की बताई गई है, लेकिन 25 इयर्स की बताई गई है अगर बच्चा गार्जियनशिप में रह रहा है, अगर उसके खुद के पेरेंट्स नहीं है, उसको किसी और के अंडर गार्जियन में कोर्ट के थ्रू गार्जियनशिप में रखा गया है, तो उसकी एज मेजोरिटी की एज 21 रखी जाएगी, अदरवाइज बाकी सब में माइनर जो है 18 साल के बाद मेजर बन जाएंगे, हो जाएंगे, लेकिन इसमें 21 इयर्स की एज होगी अगर वो अंडर गार्जियनशिप में है, तो ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में बोला गया था। इसके अंदर एक केस आया था नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम 1997 में, क्रिमिनल LJ मतलब लॉ जनरल 3972 केस नंबर है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर भी यही कहा गया था कि बच्चे एलिजिबल हैं फादर से मेंटेनेंस लेने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी हस्बैंड मना कर रहा था, ये भी मोमडन्स का केस था, मुस्लिम लॉ के अंडर आता था केस, इसमें भी मना कर रहा था हस्बैंड, तो लेकिन उसमें फिर कोर्ट ने बोला था इसमें कि नहीं, आपके बच्चे माइनर हैं, जब तक वो मेजर नहीं हो जाते, जब तक वो उनकी इनकम स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक आप उनको मेंटेनेंस देंगे, ठीक है। केस जरूर याद रखिएगा, फेमस केसेस हैं, एग्जाम में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट्स के बारे में क्या बोला गया था, पेरेंट्स चाहे मदर है फादर है या दोनों कोई भी जिंदा है, तो वो उनकी मेंटेनेंस बच्चों से ही मिलेगी, बेटे से ही मिलेगी, बेटा चाहे एक है दो है चार है, वो पेरेंट्स की मर्जी है, पेरेंट्स कितने भी बच्चों से मेंटेनेंस का केस मेंटेनेंस ले सकते हैं। इन केस अगर, इसमें भी एक बात आती है, कंडीशन सब में एप्लीकेबल होती है, इसके अंदर कंडीशन ये बोली गई थी कि पेरेंट्स के पास भी अगर अपनी खुद की इनकम है अपने सर्वाइव करने के लिए,
कुछ ओल्ड एजेड पेरेंट्स के पास में अपनी इनकम होती है, चाहे उनके पास रेंट इनकम आ रही हो, चाहे पेंशन इनकम आ रही हो, चाहे इंटरेस्ट इनकम आ रही हो, चाहे कोई भी इनकम बिजनेस इनकम आ रही हो, अगर उनके पास अपनी इनकम आ रही है, इफ दे आर एबल टू सर्वाइव ऑन देयर ओन इनकम, देन दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक द मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम देयर सन। ठीक है, इसमें ये बात आएगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। कंडीशन ये है, अगर उनके पास नहीं है, मदर या फादर के पास अपनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, तो अपने बच्चों से मेंटेनेंस लेंगे। इसके अंदर एक केस आया था कि क्या बेटियां भी मेंटेनेंस देने के लिए अपने पेरेंट्स को एलिजिबल हैं, लायबल हैं या नहीं है। तो इसके अंदर ये केस आया था विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराम राजा राव सवाई, ये केस आया था 1987 क्रिमिनल लॉ जनरल 977 सुप्रीम कोर्ट का केस है, याद रखिएगा, विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराम राजा राव सवाई का केस 1987 में आया था। इस केस के अंदर यही बोला गया था कि डॉटर इज लायबल, वेदर द डॉटर इज लायबल और नॉट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हर पेरेंट्स, भाई बेटी भी अपने पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस दे सकती है कि नहीं, क्योंकि अब बेटियों का तो राइट हो गया प्रॉपर्टी लेने का, जितना राइट बेटों का है प्रॉपर्टी के ऊपर उतना बेटियों का भी इक्वल राइट हो गया। तो क्या जैसे बेटों का ही राइट है मेंटेनेंस का, तो क्या बेटियों का राइट नहीं हो सकता? ठीक है, इसके अंदर बोला गया था कोर्ट ने, इसका फैक्ट बताती हूँ, इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर बेटी के पास, अगर बेटी मैरिड है या अनमैरिड भी है, अगर बेटी के पास अपनी खुद की इनकम है, ठीक है, खुद की इतनी इनकम है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे सके, उनको मेंटेन कर सके, उनके डेली के खर्चे, मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आते हैं ये मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया, रहना खाना और हर तरह के एक्सपेंसेस उनके, चाहे वो मेडिकल के हैं चाहे कोई भी, मेंटेनेंस में एक आम आदमी को रहने के लिए जीने के लिए जो जो खर्चे, जरूरी खर्चे चाहिए होते हैं, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, रहने के लिए घर हो गया, शेल्टर में घर आ जाता है, ठीक है, तो ये सारे जरूरी खर्चे मेंटेनेंस के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे खर्चे अगर वो बेटी के पास अपनी सेल्फ इनकम है, सेल्फ सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास इतना है हस्बैंड की इनकम से अलग, उसमें हस्बैंड की, उसके हस्बैंड की इनकम इंक्लूड नहीं होगी, अगर बेटी की अपनी अलग इनकम है तो वो लायबल है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये बात इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि हाँ बेटियां भी कर सकती हैं, और इसमें एक बात और बोली थी कि पेरेंट्स जो हैं अपने किसी भी बेटे से, एडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं जो, में ये कहा गया था कि पेरेंट्स जो हैं किसी भी बेटे से, चाहे एक है, दो है, चार है, सबसे या किसी एक से भी मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकते हैं, मेंटेनेंस ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको आज तीनों के बारे में मेंटेनेंस का बता दिया, मेंटेनेंस 125 के अंदर वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स तीनों के तीनों कवर होते हैं। वाइफ के लिए ये तीन एक्ट्स बने हुए हैं, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में सेक्शन 18 क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 इन दोनों के अंदर, और दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 24 और 25 के अंदर, 24 के अंदर टेम्परेरी रिलीफ होता है और 25 के अंदर परमानेंट रिलीफ होता है। टेम्परेरी रिलीफ होता है जब तक आपको डिवोर्स नहीं मिला तब तक आपको मेंटेनेंस मिलती रहेगी, जब तक आपका केस चलता रहेगा, और कब मिलनी स्टार्ट होती है, जब आपका ऑर्डर पास हो जाता है, आपने कोर्ट में केस फाइल किया, जिस दिन से आपका ऑर्डर पास हो गया उस दिन से आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 24 के अंदर टेम्परेरी रिलीफ है, 25 के अंदर परमानेंट रिलीफ है कि भाई डिवोर्स के बाद का जो मिलता है। ठीक है, और एक है थर्ड एक्ट है कोड ऑफ सीआरपीसी जो अभी जिसके अंदर 125 से 128 के अंदर है, इसमें 26, 27, 28 में प्रोसीजर्स हैं, एप्लीकेशन है, 128 में सारा कुछ एप्लीकेबिलिटी वगैरह डिटेल में बताई गई है कि भाई कैसे कैसे आप केस फाइल करेंगे, प्रोसीजर क्या है, कौन एलिजिबल है, किसके कंडीशंस और क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो आप पूरी देखेंगे आपको सेक्शन से समझ में आ जाएगा। इतना ओवरव्यू समझाने से आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि 125 मेंटेनेंस के केस बहुत ज्यादा कोर्ट में आते हैं, मैंने खुद देखे हैं, बहुत केसेस आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, इसके अंदर एक बात और बताई गई थी कि अगर हस्बैंड भी, अगर वो भी कर रहा है, वो भी सेकंड वाइफ रखी है उसने या मिस्ट्रेस है उनकी, ठीक है ना, या दूसरी शादी कर रहा है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है लेने के लिए मेंटेनेंस, एक कंडीशन और भी थी इसके अंदर ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये कंडीशंस मैंने आपको सारी बता दी, तभी इन्हीं कंडीशंस में ही वाइफ को मेंटेनेंस मिलती है। ये तीन एक्ट में, तीनों में मेंटेनेंस डिफाइन की गई है। केस लॉ मैंने इसमें मोहम्मद अहमद खान शाह बानो बेगम का केस याद रखिएगा, ये केस 1985 में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है,
याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें बता दी, चिल्ड्रन से रिलेटेड बता दी, पेरेंट्स से रिलेटेड बता दी, केस लॉ बता दिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।